वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स। अपने लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को तरबूज का रस पढ़ाया था और कहा था कि अपने नेक्स्ट क्लास में हम गुटरू कबूतर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। टेक आउट योर पेज नंबर 35 एंड लेट्स स्टार्ट। एक कबूतर था, वह बहुत भूखा था। मैंने क्या कहा? एक कबूतर था, वह बहुत भूखा था। वो बहुत हंगरी था, भूखा था। नीम की डाल पर गुटर गुटर कर रहा था। वह नीम की डाल पर क्या कर रहा था? नीम का पेड़ पर क्या कर रहा था? गुटर गुटर कर रहा था। रुचिका एक डलिया लाई। रुचिका क्या लाई? एक डलिया लाई। अमरूद चीकू कीनू भी लाई। रुचिका क्या क्या लाई? अमरूद लाई, चीकू लाई, कीनू लाई। रुचिका डलिया रखकर चली गई। रुचिका क्या की? डलिया टेबल पर रखकर चली गई। घर की खिड़की खुली थी। घर की खिड़की क्या थी? खुली थी। गुटरू उड़कर भीतर आ गया। गुटरू इस खिड़की से भीतर आ गया। गुटरू चीकू खा रहा था। गुटरू क्या खा रहा था? चीकू खा रहा था। तभी रुचिका आ गई। वह कुछ बाजरा लाई। रुचिका क्या लाई? कुछ बाजरा लाई। बाजरा एक तरह का दाना होता है जिससे पीसकर बाजरे की रोटी बनाई जाती है। तो वह कुछ बाजरा लाई। गुटरू दाना चुककर उड़ गया। वह दाना चुककर यानी कि खाकर उड़ गया। तो बच्चों, इसे आपको पढ़ना है इस वीडियो के थ्रू। अब हम करते हैं इसका अभ्यास यानी कि उत्तर लिखो। भूखा कौन था? अब सभी को पता है भूखा कौन था? गुटरू था, मतलब गुटरू कबूतर भूखा था। रुचिका क्या रखकर चली गई? रुचिका डलिया रखकर चली गई। गुटरू भीतर कैसे आया? आप सभी को पता है खिड़की से। गुटरू क्या खा रहा था? आप सभी को पता है गुटरू चीकू खा रहा था। तो इसको आपको इस तरह लिख लेना है। अब है रू या छोटा ऊ या बड़ा ऊ लिखकर नाम पूरे करो। ये है रुई, तो र में छोटा ऊ। ये है रुमाल, तो र में बड़ा ऊ। ये है अमरूद, तो र में बड़ा ऊ। ये है रुपया, तो छोटा ऊ। रुपया, रुपया। तो इसको इस तरह आपको लिख लेना है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जो कि है चिड़ियों के चित्रों में रंग भरो। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको इसके अंदर रंग भरने हैं। ठीक है, आज के लिए यही। अपने नेक्स्ट क्लास में हम री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।